भाई लोग, आज का वीडियो है बिग बैश लीग का 24th मैच के ऊपर, जो खेला जाएगा सिडनी थंडर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच। अब सिडनी थंडर्स क्या वो कारनामा कर पाएंगे जो अभी तक कोई भी टीम नहीं कर पाई है, यानी कि पर्थ स्कॉचर्स को हरा पाएगी सीजन में, जो कि अनडिफीटेड चल रहे हैं। भाई आज के इस प्री मैच एनालिसिस में हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और CLG की सारी नोटिफिकेशंस और वीडियोस का लुफ्त उठाते रहे। अब दोस्तों, सिडनी थंडर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच अभी तक 13 मैचेस खेले गए हैं, जहां सिडनी थंडर्स जीती है 6 बार तो पर्थ स्कॉचर्स का बोलबाला रहा है 7 बार, यानी कि दोनों ही टीम्स में कांटे की टक्कर रही है। करंट पोजीशन की बात करी जाए तो सिडनी थंडर्स ने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से वो मात्र 2 मैच जीत पाए हैं। पॉइंट है इनके 10 और नेट रन रेट है +0.17 का। वहीं बात करी जाए पर्थ स्कॉचर्स की तो दोस्तों 6 मैचेस खेले हैं और 6 के 6 मैचेस अपने नाम करे हैं। पॉइंट्स हैं इनके 21 और नेट रन रेट है +1.67 का। रही बात दोस्तों पिच की, तो ये मैच खेला जाएगा मनुका ओवल कैनबेरा में, जहां इस सीजन में अभी तक एक ही मैच हुआ है जो कि सिडनी थंडर्स ने जीता था सेकंड बैटिंग करते हुए। वेल, अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, T20 स्टैट्स की बात करें, तो दोस्तों 18 मैचेस खेले गए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम 6 बार जीती और रन चेज करने वाली टीम 12 बार जीती है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहता है समवेयर अराउंड 167। अब इस लिहाज से देखा जाए तो भाई टॉस की अगर बात है तो कैप्टन्स टॉस जीतकर पहले बोलिंग करना डेफिनेटली पसंद करेंगे। अब दोस्तों, ये तो थी इधर उधर की बातें, बढ़ते हैं मुद्दे पर और नजर डालते हैं प्लेयर्स पे। भाई बात करी जाए सिडनी थंडर्स की तो दोस्तों लास्ट 3 मैचेस को हम कवर करते हैं, आखिर कैसी परफॉर्मेंस रही थी। तो एलेक्स हेल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, 3 मैचेस में 77 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है इनका 145 का। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जेसन सांगा टीम से जुड़े थे लास्ट 2 मैचेस में, 86 रन इन्होंने ठोके हैं, स्ट्राइक रेट रहा है इनका 148 का। प्लस जो कंसिस्टेंट परफॉर्म है वो है सैम बिलिंग्स, जिन्होंने 3 मैचेस में 82 रन बनाए हैं 157 के स्ट्राइक रेट से। वेल, टीम में मिडिल ऑर्डर संभालते हैं एलेक्स रॉस, जिन्होंने 3 मैचेस में 97 रन ठोके हैं और स्ट्राइक रेट रहा है 149 का। दोस्तों, मिडिल ऑर्डर में एलेक्स रॉस से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी कि वो रन स्कोर करेंगे। अब रही बात बॉलर्स की तो भाई टीम में साकिब महमूद मौजूद हैं, जिन्होंने 2 मैचेस में 5 विकेट निकाले हैं। तनवीर सांगा ने भी 3 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। डैनियल सैम्स की अगर हम बात करें तो 3 मैचेस में 3 विकेट इनके खाते में भी शामिल हैं। अब दोस्तों, इनके अलावा टीम में नथान मैकिंड्रू और क्रिस ग्रीन, इन दोनों की मौजूदगी है जो कि टीम का बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो क्या पर्थ स्कॉचर्स को इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में मात मिलेगी, आइए जरा पर्थ स्कॉचर्स की परफॉर्मेंस पर भी नजर मार लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें सिडनी थंडर्स की प्लेइंग 11 की तो मैथ्यू गाइक्स, एलेक्स हेल्स, जेसन सांगा, सैम बिलिंग्स, एलेक्स रॉस, डैनियल सैम, बेन कटिंग, नथान मैकिंड्रू, क्रिस ग्रीन, साकिब महमूद और तन्वीर सांगा में इस मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। वेल, रही बात पर्थ स्कॉचर्स की तो भाई इस टीम में लास्ट 3 मैचेस पे अगर हम फोकस करें तो कंसिस्टेंसी सिर्फ मिचेल मार्श की दिखाई दी है, जिन्होंने 3 मैचेस में 149 रन ठोके हैं। कंसिस्टेंटली टीम को जीत दिलाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। अब इनके अलावा दोस्तों, अगर हम देखें तो कॉलिन मुनरो ने लास्ट मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट 58 रन ठोके थे मात्र 32 बॉलों में 181 के स्ट्राइक रेट से। तो ही इज दी गाय जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एक बार अब रन स्कोर कर रहे हैं तो उम्मीद होगी कि ये अपकमिंग कॉन्टेस्ट में भी रन स्कोर करेंगे। अब इनके अलावा दोस्तों, टॉप ऑर्डर में कैमरून बैनक्रॉफ्ट रन स्कोर करते नजर आ रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस में प्लेइंग 11 में जगह बनाई थी, 47 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद होगी कि ये टॉप ऑर्डर में रन स्कोर करें और एक अच्छी शुरुआत दें। अब इनके अलावा दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर में एस्टन टर्नर, लॉरी इवांस मौजूद हैं जो कि मिडिल ऑर्डर संभालते हैं। लॉरी इवांस ने अगर लास्ट 6 मैचेस पर फोकस करें तो अच्छी बल्लेबाजी करी है और लोअर मिडिल ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से संभाला है। अब रही बात बॉलिंग अटैक की तो भाई यहां पर टीम में मौजूद हैं एस्टन अगर, जिन्होंने 3 मैचेस में 6 विकेट अपने नाम करे हैं, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल रह रहे हैं। इनका साथ दे रहे हैं तमिल माइल्स, जिन्होंने 3 मैचेस में 3 विकेट निकाले हैं और ऐसा ही स्टैट रहता है जेसन बैरनक्रॉफ्ट का, जिन्होंने 3 मैचेस में 3 विकेट अपने नाम किए हैं। अब इनके अलावा अगर देखा जाए तो दोस्तों, पीटर हेडजुक मौजूद है टीम में जो कि इनका बॉलिंग अटैक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, प्लस एंड्रू टाय की मौजूदगी पर्थ स्कॉचर्स का बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्कॉचर्स का बॉलिंग अटैक
सिडनी थंडर से बेहतर नजर आता है। अब रही बात कि आखिर कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है, तो दोस्तों नो डाउट दोनों ही टीम्स में कांटे की टक्कर हो सकती है। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। पर्ल स्कॉचर्स अगर सेकंड बैटिंग करती है तो वो डेफिनेटली ये मैच जीत सकती है। हालांकि रही बात बैटिंग लाइनअप की, तो यहाँ पर सिडनी थंडर्स के पास परफॉर्मेंस के लिहाज से ज्यादा अच्छे बल्लेबाज नजर आते हैं। आपके हिसाब से दोस्तों क्या सिडनी थंडर्स पर्ल स्कॉचर्स की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ पाएगी? कमेंट सेक्शन में व्यूज अपने जरूर दीजिएगा। आज के इस एनालिसिस में दोस्तों बस इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए भैया जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें।